उठ गए सब लोग? सो रहे हैं अभी तक? बल्ले बल्ले जी, आप हार गए, हम जीत गए। फ्रेंड्स, कल है 22 तारीख, तो 22 तारीख को है हमारी बुआ जी के घर राम लला, कहा जाए कि राम दरबार की स्थापना। तो हम जा रहे हैं बुआ जी के घर, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं पहुंच गया था टोल टैक्स पे। आप देखिए कितनी यहाँ पर भीड़ है, करीब 10 से 15 मिनट हो गए मुझे खड़े खड़े, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि फास्ट टैग मेरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन नंबर ही नहीं आ रहा है। नंबर आएगा तभी आगे पहुंचेंगे। चलिए थोड़ा सा वेट और करते हैं और टोल चेक से निकल के बुआजी के घर पहुंचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। फ्रेंड, टोल गेट जो था वहां से हम निकल गए। एक्चुअली यहाँ पे देर इसलिए लग रही थी क्योंकि यहाँ पे फास्ट टैग अवेलेबल नहीं था, सिर्फ कैश पेमेंट हो रहा था, तो फ्रेंड इसलिए हमको काफी देर लग गई, लेकिन हम वहां से निकल गए। आप देखिए रात होने वाली है, समय हो गया 5:35, तो अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लगा है, धुंध भी थोड़ी थोड़ी छाने वाली है। तो अभी हमारा सफर बचा है करीब 70 किलोमीटर का, हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटा भी और लग जाएगा। फ्रेंड राधे राधे। फ्रेंड हम पहुंच गए थे बुआ जी के घर। आज है सुंदरकांड का पाठ बुआ जी के घर, और राम लला की स्थापना का भी दिवस है, आज 22 तारीख है। फ्रेंड हम रात में पहुंच गए थे, सुबह में मॉर्निंग में मैं उठा और वॉक पे निकला हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में जरूर करता हूँ, जब अपने शहर में होता हूँ तो वहां करता हूँ, अब मैं दूसरे शहर में आया हूँ तो यहाँ पर भी मॉर्निंग वॉक कर। फ्रेंड मैं गया था मॉर्निंग वॉक पे, अब मैं आ गया हूँ वापस। जब मैं गया था तो कई लोग सो रहे थे, एक आध बंदा जागा हुआ था, मैं वापस आ गया, देखते हैं कौन कौन जाग गया और कौन कौन सो रहा है, एक नजर मारते हैं। ये हमारे फुफड़ जी है, फुफड़ जी जाग गए, बाकी सब सो रहे? फुफड़ जी सो रहे, अरे सब सो रहे, फुफड़ जी जाग गए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जाग गए। उठ गए सब लोग? सो रहे हैं अभी तक? सो रहे हैं, वो वाली पूरी मंडली सो रही है। यहाँ पे राम दरबार की स्थापना हुई है कल, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दरबार सजा हुआ है, और लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं स्नान करके। बाकी कई लोग सो रहे हैं, कई लोग उठ गए हैं। फ्रेंड हम आए थे बुआ जी के घर, यहाँ पे चल रहा है सुंदर कांड का पाठ, उसका भोग लगेगा, कीर्तन होगा। फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देखिए लेडी सुंदरकांड का पाठ कर रही है। समय राम दरबार सजा हुआ बहुत ही सुंदर, ठंड भी बहुत हो रही है आज। Yeah!
जी की जय। जैसे कि संगत के लिए यहाँ पे प्रसाद तैयार हो रहा है, बाहर चल रहा है कीर्तन जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, और यहाँ पर संगत के लिए हो रहा है प्रसाद तैयार, आप देख सकते हैं। यहाँ पे राम जी का बहुत ही सुंदर दरबार सजा था, और सुंदरकांड का पाठ भी हुआ आज। बहुत ही सुंदर दरबार था, सजावट भी बहुत सुंदर थी, लेडीज ने बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। अब जो राम जी का दरबार है उसको अंदर ले जाया जाएगा, अंदर जो टेंपल है, जो मंदिर है घर के अंदर, वहाँ पे अब भगवान जी को विराजमान करवाया जाएगा। फ्रेंड जब बाहर सुंदरकांड का पाठ था तो ये जितना भी दरबार था भगवान जी का, ये सब बाहर विराजमान हो गया था, लेकिन जब सुंदरकांड का पाठ समाप्त हुआ, कीर्तन समाप्त हुआ, तो दोबारा से राम जी अपनी जगह पर विराजमान हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अब हम भी जा रहे हैं घर, हम आए थे रुद्रपुर, काफ़ी दूर आए थे, यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम है, अब हम भी घर को वापिस जा रहे हैं। हम आए थे 21 तारीख को और आज है 23 तारीख, तो हम जा रहे हैं घर को वापस। अब हम आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई जगह पर, तब तक के लिए बाय।